हरियाणा के भिवानी में जली गाड़ी से मिले दो लोगों के शव, राजस्थान के भरतपुर से अपहरण के बाद हत्या का आरोप, पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर अब ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन का हमला, कहा मोदी को बदनाम करने के लिए घटिया पत्रकारिता का शर्मनाक उदाहरण। The so-called documentary, which is more of a propaganda video, if you like, in a two-part series, was an absolutely disgraceful piece of shoddy journalism with an attack on Narendra Modi. दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, मनोनीत पार्षदों की वोटिंग समेत दूसरे कानूनी सवालों पर सुनवाई के बाद होगा चुनाव। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ मतदान, वोटिंग के लिए लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह, 89.90% मतदान के साथ वोटरों ने बनाया नया कीर्तिमान। मुंबई में भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ पर हमला, सेल्फी से इनकार करने पर दोस्त की गाड़ी में बैठे पृथ्वी शॉ से फैंस ने की हाथापाई, आरोपी सपना गिल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हाईकोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद इमरान खान पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, पुलिस और समर्थकों के बीच रात भर नोकझोंक। यूट्यूब के सीईओ सुसान बोस्की ने किया इस्तीफे का ऐलान, भारतीय मूल के नील मोहन संभालेंगे कमान। भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर शुरू की बल्लेबाजी, टीम इंडिया 11 में सूर्य कुमार की जगह श्रेयस अय्यर को मौका, सीरीज में 1-0 से आगे है भारत। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल, दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया जो उनके मुद्दे उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर वन पसंद बनता है वो, जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है, देश का नंबर वन न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं देश का नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया, मैं हूं आपके साथ मारिका ठाकुर। न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर वन चैनल बना हुआ है, हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।